नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। प्रयागराज में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेसियों ने हल्ला बोल दिया है, जिसके चलते सैकड़ों कांग्रेसियों ने बालसन चौराहे से जिलाधिकारी कार्यालय की ओर मार्च निकाला। तभी पुलिस द्वारा उन्हें रोक लिया गया, जिसके बाद पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस दौरान कई कांग्रेसियों को हल्की फुल्की चोट भी आई। आपको बता दें कि पुलिस ने मार्च कर रहे करीब 20 कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर मुरादाबाद से है, जहां कांग्रेसी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अमरोहा गौशाला में हुई गायों की मौत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बड़ों को बचाने के लिए छोटे लोगों का नाम आगे किया जाता है। दरअसल अमरोहा की गौशाला में हुई 5 दर्जन से अधिक मौतों को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी ने पशुधन मंत्री को भी अमरोहा भेजा। देखिए साहब, अनस हो, ताहिर हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, रामलाल हो, श्यामलाल हो, राम मनोज प्रसाद हो, जो दोषी हैं हमेशा उनको बचाने के लिए छोटों को और कमज़ोर को नापा जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें भी ऐसा ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रिकॉर्ड पूरा कर लेना भाई, पूरा उसको A to Z रिकॉर्ड करो, मेरे पास रहना चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं केस में भी ऐसे ही हो रहा है। खबर फरीदाबाद के पलवल इलाके से है, जहां के KGP हाईवे पर बोर्ड का काम करने वाले ठेकेदार पर कुछ बदमाशों ने चाकू और पेचकस से हमला कर दिया, जिसके बाद हमले में ठेकेदार को गंभीर चोटें भी आई हैं। पीड़ित को पलवल से रेफर करके फरीदाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बैंक में मेरे जॉब करता हूँ, तो मैं 8:30 बजे के करीब 9 बजे के करीब घर में एंट्री की थी मैंने, तो पापा बोल रहे थे कि मेरे को कुछ काम है, बोर्ड वगैरह बनाने हैं, तो मेरे को बाहर जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, आप निकल जाइए। तो वहाँ पे मतलब कुछ टाइम बाद ही मतलब मम्मी मेरे पास आती हैं, मैं सो रहा था उस टाइम, तो मम्मी आती हैं, मम्मी ने बोला कि ऐसे ऐसे मतलब तेरे पापा के साथ मारपीट की गई है। अगर बोर्ड बनवा रहे थे हम हाईवे के, और वहाँ आदमी आए, उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा, जगत ठेकेदार तुम ही हो, मैं कहा जी, और उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया चाकुओं से। ये मामला था जी, मेरे को पता पला, मेरे सिस्टर का फ़ोन आया था जी कि ऐसे ऐसे उसके तेरे जीजा जी के साथ हाथापाई हो गई है। मेरे को ये नहीं पता था जी ऐसे वारदात हो गई है। वो हमलावर आए, उन्होंने चाकुओं से जो भी हथियार थे और भी हमला किया। मेरे पास फ़ोन आया एक बंदे का और कि तुम एपेक्स में पहुंचो जल्दी से जल्दी, स्ट्रेचर न करवा के रखो। मैं वहां पे पहुंचा, मैंने वहां ट्रीटमेंट कराई, वहां पे बीपी था 50 से नीचे, जो ऊपर होता है जी बीपी उससे नीचे था, पल्स 25 प्लस थी जी, मैंने गंभीर थी, हालत बहुत गंभीर थी जी। उन्होंने कह दिया आप फरीदाबाद ले जाओ। खबर कानपुर के नरवल थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस पर एक युवक के साथ फर्जी मारपीट कर 3 दिन तक थाने में बंद करने का आरोप है। वहीं मामले से अनजान मां को इस बात की जानकारी मिलने पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इस मामले से भड़की भीड़ ने नरवल इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही ग्रामीणों ने इंस्पेक्टर पर वसूली का आरोप लगाया और वसूली के पैसे न देने पर ATM हैकर का फर्जी मुकदमा दर्ज कर धमकाने का भी आरोप लगाया। हमने साहब ये कुछ नहीं जानते, हम ये जानते हैं कि हमारा खेत पर हम खेतवा जोताते थे, उसके बाद ही गए जब उन्हें कहा कि वो तुम्हारे लड़के ने पकड़ ले गए। हमने आया, आकर जब उन्हें कहा तो अभी गए जब उन्हें मैन भाई साहब, तो उनको जब उन्हें जब भेजे तो कहा वो 50,000 रुपया, पहले 50,000 मांगे फिर 60,000 मांगे। जब पहुँचे तो हमने कहा कि क्यों हमारे आदमी को बगैर सबूत के गिरफ्त कर दिया, तो महिला ने कहा पुलिस अफसर ने हमारे बस इतने कहने पर मार फिर शुरू कर दी और बहुत मारा, और कहा आदमी जो जेंट्स थे वो पुलिस वाले ने उसने भी मारा। किसानों पर दर्ज मुकदमे के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पंचायत की, जिसमें पुलिस कार्रवाई के खिलाफ किसानों ने जुबानी हल्ला बोल दिया। मामले के मुताबिक ट्यूबवेल से मीटर उखाड़ने को लेकर जनपद के अलग अलग थानों में 250 से ज्यादा किसानों पर केस दर्ज किए गए थे, जिसके चलते मुकदमे के खिलाफ किसानों ने
बुगरासी स्थित बिजली घर पर पंचायत का आयोजन किया। खबर औरैया से है, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी और समाजवादी युवजन सभा के संस्थापक छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती को मनाया गया। आपको बता दें कि इस आयोजन में दिबियापुर से सपा विधायक और बिधूना के विधायक सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान 2024 की रणनीति को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। खबर श्रावस्ती से है, जहां आगामी त्योहारों को लेकर शांति एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार को मनाने के लिए केंद्र शासित समिति की बैठक डीएम और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। वहीं बैठक के दौरान जनपदवासियों से आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई। नोएडा के एक्सपो मार्ट में खेलों का आयोजन कराया गया, जिसमें कई खिलाड़ी शामिल हुए। आपको बता दें कि ये अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन 4 अगस्त से 6 अगस्त तक चलेगा। इस आयोजन में लगभग सभी नामी ग्रामी कंपनियों ने खेल के इस्तेमाल होने वाली उपकरणों की स्टॉल लगाई है। इंडियन एग्जीबिशन सर्विस और स्पोर्ट्स फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा इस खेल का आयोजन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में खेल मंत्री और ऊर्जा मंत्री शामिल हुए। खबर हरदोई से है, जहां विधानसभा गोपा माऊ ग्राम सभा अली नगर के मजुरा सरगापुर के मासिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी ने कहा कि समाजवादी पार्टी से रिश्ता टूटने के बाद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अब नगर निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश में और देश में जो लोकसभा का चुनाव और उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव आने वाला है, जिसको लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में मासिक बैठक के साथ साथ सदस्यता अभियान चलाने का काम कर रही है, जिससे हमारा गांव-गांव बूथ स्तर तक कार्यकर्ता पदाधिकारी कैसे हो बने, सदस्यता अभियान चलाकर हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां जिले में सरकारी राशन की दुकान पर 58 बोरी खराब और बदबूदार चावल वितरित करने के लिए भेज दिया गया है। वहीं इस मामले की आला अधिकारियों से शिकायत हुई तो हड़कंप मच गया। फिलहाल डीएम के निर्देश पर पहुंची पूर्ति विभाग की टीम ने सैंपल कलेक्ट कर और आला अधिकारियों को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भी प्रेषित कर दी है। रात में 9 बजे हमारा रात में खाद्यान्न आया और रात में जो खाद्यान्न आया वो पूरी तरीके से भीगा हुआ था और सड़ा हुआ था, जिसमें बदबू भी आ रही थी। तो मैंने जो ठेकेदार हैं, मैंने उनको भी बोला कि आपका जो खाद्यान्न है उस पर बहुत बदबू आ रही है, आप इसको वापस कर लीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि आपका राशन अब गोदाम पर उतर गया है, अब आपका राशन नहीं जाएगा और आपका अगर बदलना है तो सुबह 9 बजे गाड़ी ट्रैक्टर लेके आएंगे, उस पर आपका राशन रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन इस समय अभी 12 बज रहा है, अभी तक कोई भी ऐसी सूचना हमें नहीं मिली। डीएम साहब द्वारा डीएसओ साहब को फोन किया गया था कि मनीष गुप्ता की दुकान पे सिविल स्टेज में चावल को जीजा को भेजा गया है, उसको मौके पर देख के जाँच कर लीजिए, जाँच करके जो है उसको रिप्लेस कराइए और उसका लिखा पढ़ी करके अभी तक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दीजिए। खबर देवरिया से है, जहां कस्बा चौकी पर पीस कमेटी ने आगामी त्योहारों को लेकर बैठक का आयोजन किया और बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। देवरिया जनपद के लार थाना क्षेत्र के ग्राम डुमरी बंधे पर 31 जुलाई को एक अज्ञात युवती का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। काफी खोजबीन के बाद मृतका की पहचान नीलम वर्मा जनपद बलिया के रूप में हुई थी। देवरिया पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के पर्यवेक्षण में लार पुलिस द्वारा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर सुतावस तिराहे के पास से संदिग्ध 3 अभियुक्तों को हिरासत में हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के औरैया जनपद के ककोर मुख्यालय के समीप सपा कार्यालय पर सदस्यता अभियान चलाया गया। वहीं अभियान की अगुवाई औरैया जनपद के प्रभारी ने कार्यालय में सदस्यता दिलाई। सदस्यता अभियान के दौरान कार्यालय में सपा से दिबियापुर विधायक प्रदीप यादव, बिधूना विधायक समेत पूर्व जिला अध्यक्ष समेत भारी संख्या में सपाई मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद विशंभर प्रसाद निषाद
ने बताया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा सपा कार्यकारिणी भंग कर दी गई है और इसके साथ ही साथ हर जिले में प्रभारी के नेतृत्व में सदस्यता चलाई जा रही है। पार्टी का सदस्यता अभियान है और उस सदस्यता अभियान में प्रदेश से प्रभारी बना के हर जिले में भेजे गए, जिसमें माननीय निषाद जी आए हुए हैं। ये यहाँ इन्होंने शुरुआत की है। विधायकों को पहले ही 100-100 कट्टे दे दिए गए थे और विधायक लोग पहले से अपने सारे लोगों को सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं। औरैया जनपद में समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान चलाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमें यहाँ का प्रभारी बना के भेजा है। 3 विधानसभा हैं, तीनों में जो है बूथ स्तर पे हम लोग जो है अपना संगठन रिन्यूअल करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी में संविधान व्यवस्था है कि हर 5 साल में संस्था का रिन्यूअल किया जाएगा। यूपी के शाहजहांपुर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने बलपूर्वक गिरफ्तार कर अस्थायी जेल पुलिस लाइन भेज दिया। सरकार को तो कहीं दिख नहीं रही है, वो संसद में खड़े होकर कह देते हैं कि महंगाई नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको सिलेंडर, आपको पेट्रोल, आपका रिचार्ज, आपके बच्चों के फीस, आटे पे GST, दूध दही पे GST, क्या ये जायज़ है? क्या महंगाई नहीं है? और सरकार बड़ी बेशर्मी से कह रही है कि महंगाई नहीं है। मैं आपसे ही प्रश्न करना चाहता हूँ, महंगाई है कि नहीं है? बुलंदशहर में अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के लिए अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 5 अभियुक्तों को नशीली गोलियों और अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार किया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना गुलवाठी पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में लग्जरी गाड़ी पर राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि लिखवा कर हथियारों की प्रदर्शनी करी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक लड़की हाथ में रिवॉल्वर लेकर खड़ी हुई है और सोशल मीडिया पर विख्यात होने के लिए फेसबुक पर लगाई गई है ये तस्वीर। वहीं राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने भी स्पष्ट किया कि वो इन लोगों को नहीं जानते हैं और ना ही ये लोग उनके प्रतिनिधि हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों सेक्टर 23 संजय नगर के रहने वाले हैं। खबर मुरादाबाद से है जहां प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका की लापरवाही से छात्रा 3 घंटे कक्षा में बंद रही और छात्रा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं सूचना मिलने पर छात्रा के पिता ने शिक्षिका को फोन पर सूचना दी, जिसके बाद प्रधानाचार्य ने ताला खोलकर बच्ची को बाहर निकाला। तो ये पढ़ने के लिए गई थी और सब बच्चों की छुट्टी हो गई थी, हम देख रहे थे आई नहीं अभी तक लड़की। तो फिर बाद में हम गए तो वहाँ पे लड़की जो ये बंद पड़ी थी स्कूल में, ताला लगा के चली गई थी मैडम। आपको किसने सूचना दी कि बच्ची वहाँ बंद है? वो 2 बच्चों ने सूचना दी कि वहाँ पे एक लड़की रो रही है, वो देखो आपकी लड़की तो नहीं है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।